हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाली एसएससी। आज देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ जीके कोच और इंग्लिश के भी कुछ कोच। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईडीए? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए क्या होता है? तो आईडीए इज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू वर्ल्ड पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री। आईडीए इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ग्रुप बैंक एंड इट हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन डीसी, जो यूनाइटेड स्टेट में। तो आईडीए जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री को, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी मेंबर है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल वाशिंगटन है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका आंसर होगा डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु गॉट अर्जुन अवार्ड इन ईयर 2017? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। मैंने सारे अर्जुन अवार्ड 2017 में जिनको मिले हैं उनका नाम और किस स्पोर्ट मिला है उसका डिटेल दे दिया है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। विजय सुरेखा आर्चरी में, खुशबीर कौर एथलेटिक्स में, और किया और राजीव एथलेटिक्स में, प्रशांत सिंह बास्केटबॉल, लैस राम देवेंद्र सिंह बॉक्सिंग में, चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट में, हमप्रीत कौर क्रिकेट में, बेम्बम देवी फुटबॉल में, एसएसपी चौरसिया गोल्फ में, एसवी सुनील हॉकी में, जसवीर सिंह कबड्डी में, पीएन प्रकाश शूटिंग में, ए अमलराज टेबल टेनिस, साकेत मैनी टेनिस में, सत्यव्रत कैंडिया रेसलिंग में, मैरियप्पन पैरा एथलीट, वरेन सिंह भाटी पैरा एथलीट में मिला है। केवल आप लोग पैरा एथलीट को या पैरा एथलीट वाले को भी याद रख सकते हैं, इन सबका क्वेश्चन आने प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेस्टलाइसिस इन एलिमेंट्री कैनाल? तो ये सीरीज ऑफ वेब लाइक कंस्ट्रक्शन होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो ए लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ ऑफ द ऑर्गेनिज एंड इट हीज एनस इन एलिमेंट्री ट्यूब। द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये लॉन्ग ट्यूब होता है माउथ से लेकर एनस तक ऑर्गेनिज्म के, और ये यहाँ पे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। द प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स इन एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेस्टलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ बाय विच फूड मूव्स इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेस्टलाइसिस। पेस्टलाइसिस इज अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट हेल्प्स टू मूव फूड थ्रू कैनाल। तो ये वेव लाइक मूवमेंट होता है वॉल का, एलिमेंट्री कैनाल का, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका वाल का वेब लाइक मूवमेंट को ही पेस्टलाइसिस कहते हैं, जिसके हेल्प से फूड कैनाल के थ्रू मूव करता है जिससे डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इस सबको आपको ध्यान से पढ़ना होगा बायोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? इसका आंसर होगा इंदिरा। मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूँ, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे वो आसानी से इसको बना लिए होंगे। आज भी डिस्कस कर दे रहे हो, इम्पोर्टेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया जो करता है अदर कंट्रीज के साथ। तो इंडिया रसिया हो गया इंदिरा, सूर्य किरण करता है इंडिया नेपाल, इंदिरा रसिया, मित्र शक्ति होता है इंडिया श्रीलंका बीच में, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, मालाबार इंडिया यूनाइटेड स्टेट, और 2015 में जापान भी ज्वाइन कर लिया है। इंद्रधनुष इंडिया यूके के बीच में होता है, मैत्री जो होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है, और इंडिया और एक और आया था इकोवेरिन, वो इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर स्पीड ऑफ लाइट? इसका आंसर होगा उलियस रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में फैन पेंटिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज द राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन इन इंडिया? इसका आंसर होगा आर्टिकल 22।
22 में राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन को डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी टेकन बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा थर्ड शेड्यूल में होता है, जो शपथ लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो थर्ड शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। टोटल 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में और 25 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिना सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इसका आंसर होगा शूटिंग से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग वांटेड नेशनल कैपिटल टू बी डिस्ट्रिप्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश से तुगलक वंश के शासक थे 1324 से 1351 के बीच में। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो भी एक बनाया है, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्लियामेंट इज डिक्लेयर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006। तो इसका आंसर होगा प्लूटो। बार बार क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटी के ऑथर कौन है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डिकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट शिफ्ट अराइव्ड एट। तो इसका आंसर होगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला शिफ्ट कहाँ आया था, तो सूरत में आया था, और सूरत में पहला फैक्ट्री भी स्थापना किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1600 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश सेक्शन से देख लेते हैं कुछ। साइनो आया था फ्रेजाइल का, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नाजुक। डेफिएंट का आया था, इसका होता है विद्रोही या निडर। आइडम्स फ्रेज आया था कम ऑफ, इसका मतलब है इफ समथिंग कम्स अप इट इज सक्सेसफुली और इफेक्टिव। आइडम्स आया आउट एट द एल्बो, इसका मतलब पुअरली ड्रेस्ड और लैकिंग मनी का कमी। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग था डॉटर अपीयरेंस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।